Welcome everybody. Today in this session, we'll discuss the last part of force and pressure. So this is the chapter 11th of class 8th, and in this part we'll discuss the pressure. In previous sessions, we have discussed what is force, types of force, and today we are going to discuss the pressure. So let me first explain you what is pressure. The force acting on per unit area of a surface is called pressure. We can say force per unit area is called pressure. मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में हम कितना फोर्स डाल रहे हैं उसको हम बोलेंगे प्रेशर. तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय एरिया और फोर्स पर यूनिट एरिया. सो फ्रॉम द अबव फॉर्मूला वी कैन से दैट विद सेम अप्लाइड फोर्स प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. That means हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वही फोर्स अगर ज्यादा एरिया में हम अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन कम एरिया में अगर हम प्रेशर डाल रहे हैं तो प्रेशर फोर्स डाल रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. मतलब एरिया अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा. इसको कहा जाता है इनडायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. फोर्स हम एरिया के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, कितने एरिया में अप्लाई कर रहे हैं वही डिसाइड करता है आपका प्रेशर कितना है. तो एरिया अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा. व्हेन वी आर अप्लाई इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स. ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा. जैसे व्हेन वी कट एन एप्पल वी नीड टू यूज द शार्प एड्स ऑफ द नाइफ इंस्टेड ऑफ अ ब्लंट नाइफ. Because the sharp edges of the knife has small surface area and we need to exert less force with high pressure to cut the apple. तो हम जब एप्पल को काट रहे हैं तो knife का दो end होता है, एक तरफ blunt होता है एक तरफ sharp होता है. So sharp मतलब क्या? वहां पर surface area कम है, ठीक है. और हमारा formula क्या कहता है? जब हम इक्वल फोर्स दे रहे हैं, मान लो ब्लंट एंड एक जगह पर हम यूज कर रहे हैं एक जगह पर हम शार्प एंड यूज कर रहे हैं और दोनों में हम इक्वल फोर्स देंगे तो किस केस में, कौन से केस में एप्पल जल्दी कटेगा और आसानी से कटेगा? मान लो दो एप्पल हमने लिया और नाइफ का एक ब्लंट एंड से काटेंगे और एक एप्पल को हम शार्प एंड से काटेंगे, तो इक्वल फोर्स हम अप्लाई करेंगे दोनों केस में और कौन सा एप्पल और नाइफ का कौन सा एंड से जल्दी और आसानी से कटेगा एप्पल, तो ये देखेंगे हम कि जरूर आपका जो शार्प एंड है उसी से आपका एप्पल आसानी से कट जाता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो हम जब शार्प एंड ले रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है एज कंपेयर टू द ब्लंट एरिया. ब्लंट एरिया में सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, तो हम दोनों में इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो इक्वल फोर्स जब अप्लाई हो रहा है तो शार्प सरफेस में कम एरिया है, तो एरिया अगर कम हो तो प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है. तो उसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो ज्यादा प्रेशर है, इसीलिए वो आसानी से कट जाता है. लेकिन दूसरे केस में जहां हम ब्लंट
एंड को यूज कर रहे हैं वहां पर सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा होता है। तो हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू दैट क्रिएटेड इन द शार्प एंड, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा है और हम जानते हैं एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह और एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे। व्हेन वी पुट ए नेल इनटू ए वुडन बोर्ड और वॉल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज केप्ट एट द फ्रंट। द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल हैज वेरी स्मॉल सरफेस एरिया एंड दिस एनेबल्स अस टू अप्लाई ग्रेटर प्रेशर विद द अप्लाइड फोर्स। अब देखो नेल को आपको दीवार में या फिर किसी वुडन बोर्ड पर हमको नेल को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका जो पॉइंटेड एंड होता है वो हम वुडन बोर्ड की तरफ रखते हैं और जो ब्लंट एंड होता है वो ब्लंट एंड को हम ऊपर की तरफ रखते हैं जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों रखते हैं, हम उल्टा क्यों नहीं रखते, क्योंकि अगर हम ब्लंट एंड रखेंगे तो क्या होगा, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा जिसके वजह से आपका जो ब्लंट एंड है वो वुडन बोर्ड के अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम अगर पॉइंटेड एंड को वुडन बोर्ड के ऊपर रखेंगे और पॉइंटेड एंड के जरिए हम उसको अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि एरिया छोटा है। सो आसानी से आपका जो नेल है आप जो इंसर्ट करना चाहते थे वुडन बोर्ड में वो आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। यहां मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ये नाइफ है, नाइफ का ये है शार्प एड्ज, ये शार्प एड्ज है और ये ब्लंट एड्ज है। तो ब्लंट एड्ज का इस तरफ से हम आसानी से नहीं काट सकते एप्पल को, और लेकिन इस तरफ से हम आसानी से एप्पल को काट सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है बिकॉज एरिया इज लेस। लेकिन इस तरफ क्या होता है, एरिया इज मोर सो द प्रेशर इज लेस। ओके, सिमिलरली हम नेल की बात कर रहे थे आपसे, अगर हम इस तरह का एक चीज लेते हैं और हमर से हम उसको फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और इसको इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे ऑन द वुडन बोर्ड तो क्या होगा, इज इट इजियर, नो, क्योंकि यहाँ जो एरिया है ये नीचे वाला जो एरिया है अल्टीमेटली प्रेशर तो क्रिएट कहाँ हो रहा है, इस एंड पे क्रिएट हो रहा है, तो ये जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा है। लेकिन आप इसमें आप देखो कितने आसानी से ये नेल को हम वुडन बोर्ड के अंदर डाल सकते हैं क्योंकि इसका जो पॉइंटेड एंड है वो वुडन बोर्ड की तरफ है और उसका सरफेस एरिया कम है, इसीलिए जो प्रेशर क्रिएट होगा बाय अप्लाइंग द फोर्स दैट विल बी मोर, सो वेरी इजीली द नेल कैन बी पियर्स्ड इन टू द वुडन बोर्ड। अभी हम देखेंगे कि लिक्विड एंड गैस में प्रेशर होता है या नहीं। ये तो हमने देख लिया कि सॉलिड के ऊपर हम प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड एंड गैस प्रेशर एग्जर्ट करते हैं या नहीं। लिक्विड एंड गैस कैन ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन इनर वॉल ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर केप्ट। देखो बच्चों, हमको पता है कि हम किसी कंटेनर में अगर एक सॉलिड चीज को रखेंगे तो सॉलिड का जो शेप है वही शेप ही हमको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है। लेकिन एक कंटेनर में अगर हम कोई लिक्विड लेंगे या पानी लेंगे तो उस लिक्विड का शेप क्या होगा, कंटेनर का जो शेप है वही शेप ले लेगा वो। उस तरह हम अगर गैस लेंगे, गैस अगर लेंगे तो गैस भी वही कंटेनर का शेप ले लेगा। ठीक है, तो अभी हमको जानना है कि ये लिक्विड या गैस हम अगर किसी कंटेनर में लेते हैं तो प्रेशर एग्जर्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो अभी देखेंगे किस तरह ये प्रेशर एग्जर्ट करता है, एयर या फिर आपका जो वाटर है। सो व्हेन एयर इज फिल्ड
a rubber balloon gets inflated from all sides. This happens due to air or gas exert pressure over thinner wall of the balloon. हम जब बेलून को फूंकते हैं, फूंक मारते हैं बेलून में, तो क्या होता है, एयर अंदर घुस आता है, उसके अंदर एयर जाता है, तो उस एयर के वजह से जो बेलून का क्या होता है, पतला होता है ना बेलून का, जो जिस मटेरियल से बना होता है, जो रबर होता है, वो बहुत थीन होता है. तो हम जब एयर देते हैं, एयर इंसर्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो फूलने लगता है, चारों तरफ से फूलने लगता है. ठीक है, तो ये ऐसे फूलता क्यों है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है, एयर के वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो प्रेशर के वजह से बेलून फूलने लगता है. ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि बेलून आपका, जो बेलून के अंदर एयर था, उसने प्रेशर क्रिएट किया. ओके, सो इसका मतलब है एयर कैन क्रिएट प्रेशर, एयर कैन एग्जर्ट प्रेशर. अभी हम देखेंगे लिक्विड किस तरह प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है. वाटर स्टार्ट्स लीकिंग इफ देयर इज अ पोर इन द बोतल. दिस हैपेंस ड्यू टू वाटर एग्जर्ट्स प्रेशर ओवर द वॉल ऑफ द बोतल. तो अभी देखो, हम किसी बोतल में पानी भरते हैं, ठीक है, और अभी पानी भरने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा छेद कर देंगे, तो क्या होगा, पानी छेद के थ्रू बाहर निकलने लगेगा. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर ऊपर से जो है, वाटर वो प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए वो छेद से होते हुए वाटर बाहर आ जाता है. छेद वो जो बाहर जो हमने जो छेद बना दिया, वो ऊपर से वाटर का प्रेशर ज्यादा है नीचे की तरफ, तो वाटर वहां से बाहर निकल जाता है. तो देखो, यहाँ पर हमने दो तीन पिक्चर दिखाया है, आप देख सकते हो. फर्स्ट पिक्चर देखो, कैसे प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स अपॉन इट्स हाइट ऑफ द कलम. देखो ये पहला, देखो ये दो कलम हमने लिया और नीचे से हमने क्या किया, रबर या फिर बेलून को हमने बांध दिया. तो अभी देखो, हम जितना पानी भरेंगे उतना वो फूलता जाएगा. इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा वाटर होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, और उतना वो फूलता जाता है. इसका मतलब क्या है, वाटर एग्जर्ट्स प्रेशर इन द ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज प्रेजेंट. तो हम जिस कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर का वॉल में ये प्रेशर डालता है. तो आप बोल सकते हैं कि ये कलम को, ये जो कलम हमने लिया, वो क्यों स्वेल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बहुत हार्ड है. लेकिन प्रेशर, ज्यादा प्रेशर कहाँ पर एक्ट करेगा, जहां पर थीन है, वीक पोर्शन है. तो वीक पोर्शन जो रबर बांधा हुआ है, रबर का थीन शीट बांधा हुआ है, वो वीक है, इसीलिए उसको फुला देता है. ठीक उसी तरह सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक बोतल है, बोतल में हमने एक छेद, एक ट्यूब लगा दिया नीचे की तरफ और उसमें एक बैलून लगा दिया. अभी क्या होगा, ऊपर से हम अगर पानी डालेंगे उसमें, तो क्या होता है, बैलून धीरे धीरे फूलने लगता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर बैलून के अंदर जाने लगता है, और जितना वाटर ज्यादा डालेंगे उतना वाटर बैलून के अंदर जाएगा, और बैलून का जो थीन वॉल है, रबर वॉल है, उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा और आपका बेलून फूलता जाएगा. तो इससे क्या पता चलता है कि लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करता है किसमें, जिस कंटेनर में होता है, उस कंटेनर का जो इनर वॉल होता है उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है. ठीक उसी तरह थर्ड डायग्राम में आप देखो, एक बोतल है, हमने उसमें छेद बना दिया. अब जब ऊपर से पानी डालते हैं तो वो पानी छेद से बाहर निकल आता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी का प्रेशर है. वो प्रेशर से क्या होता है, प्रेशर की वजह से पानी नीचे दबने लगता है. अब दबेगा तो ये तो जो कंटेनर का वॉल ठीक है, मोटा है, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो छेद के थ्रू निकल आता है बाहर. तो इससे, ये तीनों एग्जांपल से हमको पता चलता है कि लिक्विड कैन एग्जर्ट प्रेशर इन द
inner wall of the container in which it is present. ठीक है, अभी हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Our atmosphere is made up of different types of gases, and हमने देख बताया आपको कि gases exert pressure, gas pressure exert करता है. Thus pressure exerted by air that is present in the atmosphere is called atmospheric pressure. I think it is clear to you. Atmosphere में क्या होता है? Different types के gas होते हैं. Carbon, hydrogen, oxygen, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सारे गैसेस हैं. तो ये गैसेस, जब हमने क्या पढ़ा था कि गैसेस प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तो ये गैस अगर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो एटमॉस्फेयर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है. सो द प्रेशर दैट इज एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर is called atmospheric pressure. Next, the weight of an air in a column of height of the atmosphere and area 10 cm into 10 cm is as larger as 1000 kg. The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and cancels the pressure from the outside. तो ये एक important question है बच्चों, exam में आपका अक्सर पूछा जाता है. मान लो हमारे हमने एक हमारे body के ऊपर, head के ऊपर मान लो एक air column है जिसका की weight है 1000 kg. फिर भी ये जो एयर का प्रेशर है ये हमको कुचल नहीं सकता, क्रश नहीं कर सकता. व्हाई? बिकॉज़ हमारे बॉडी के अंदर भी जो प्रेशर है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बराबर होता है. इसीलिए हमारे बॉडी का अंदर का जो प्रेशर है, क्योंकि बॉडी में कैसे प्रेशर क्रिएट हुआ आप पूछ सकते हो, क्योंकि बॉडी का 70% हिस्सा वाटर होता है, लिक्विड होता है. तो लिक्विड एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन इट्स वॉल, इनर वॉल. तो हमारा बॉडी को आप मान लो एक कंटेनर, तो उसके अंदर जो लिक्विड है या वाटर है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसके वॉल के ऊपर, बॉडी वॉल के ऊपर. इसीलिए ऊपर से हम एयर का प्रेशर होते हुए भी हमको कुछ नुकसान नहीं होता, हमको वो क्रश नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर भी उतना ही प्रेशर है. इसलिए दोनों प्रेशर कैंसिल हो जाते हैं, बराबर के प्रेशर होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, इसी तरह हमको कोई इफेक्ट नहीं होता. ओके, और एक एग्जांपल आपको बताएंगे. ए प्रेशर प्रेस्ड रबर शक्कर ऑन ए प्लेन सरफेस डज नॉट कम ऑफ बिकॉज ऑफ एटमोस्फियरिक प्रेशर. मान लो शक्कर, आपको पता है ना, आप देखो कुछ एनिमल्स बटरफ्लाइज का जो टॉयज मिलते हैं उसको हम दीवार पे चिपकाते हैं. कैसे चिपकता है? क्योंकि उसके नीचे शक्कर होता है. ठीक है, शक्कर एक डिस्क लाइक चीज होता है और उसके अंदर एयर होता है, तो वो एयर प्रेशर उसके अंदर क्रिएट होता है और जिसके वजह से वो चिपक जाता है. ठीक है, और ये हमेशा प्लेन सरफेस में ही होता है. ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर पूरा पूरी तरह समझ में आ गया होगा. एंड खास करके आज जो मैंने प्रेशर बताया आपको, तो ये प्रेशर लास्ट पोर्शन था इस चैप्टर का, और हम चार हिस्सों में इस चैप्टर को खत्म कर दिया 4 सेशन में. एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो. Thank you very much for watching this video till the end, and please like and comment, and also don't forget to subscribe my channel, because I am uploading the videos of different classes, and to watch the video of the next chapter, please subscribe. Thank you once again for watching till end. Thanks.